नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री मेसी यूट्यूब चैनल बेसिक फोटोशॉप की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट टूल के बारे में, जिसका मूव होता है जी पर। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आज मैं इसके बारे में कुछ आपको समझाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। तो प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप मत करना और जो है लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। और तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट टूल के बारे में, ठीक है। तो इसका जो मूव होता है जी पर होता है, आप इसको जी दबा के डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। जी दबाएंगे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सिंपली। ये कैसे यूज कर सकते हैं आप इसको, क्या काम क्या होता है इसका, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो प्लीज एक सबसे पहले एक जो है फाइल ले लेते हैं, कोई भी प्लेन फाइल ले लेते हैं। तो देखिए मैं एक फाइल ले लेता हूँ, ये मैंने फाइल ले ली है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका हॉरिजॉन्टल वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ये सही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने फाइल है। अब जी दबाएंगे डायरेक्ट उस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जो है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे कलर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये कलर फोटोशॉप के अंदर एक तरह से ऑटोमेटिक इसमें बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करके ये जो बिंदी सी आपको दिख रही है, ये जो माउस का सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, दवाई रखेंगे यानी कि खींच के लेकर आएंगे और इस कोने पर लाके छोड़ देंगे लाइनिंग के साथ। ये देखिएगा तो ये पूरा कलर इसमें दिख जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल मान लेते हैं यहाँ से लेके, खाली बैक कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ लाके छोड़ेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से आएगा, ठीक है। और इधर से लाके इधर छोड़ेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इसका जो भी वर्क है। अब बात आती है, राइट क्लिक करके देखिए और भी बहुत सारे कलर हैं। ये है, यहाँ से यहाँ पर इसको खींचेंगे तो ये कलर आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट है तो आप इसको खींचेंगे ये कलर आ जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, ये देखिए ऐसा आई तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एक तरह से कर सकते हैं। ये इसको करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, ये जैसा आप चाहते हैं देखिए। तो ये देखिए यहाँ से खींचेंगे ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसमें अपने खुद के कलर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बार जो दिख रही है, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ये छोटी विंडो से खुलाएगी, ठीक है। अब इस विंडो में आप कैसे बना सकते हैं इसको, मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर जो है, ये आपको ये सॉलिड है यहाँ पर, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नॉइज कर सकते हैं। तो नॉइज यहाँ से आप खुद बना सकते हैं अपने कलर, ये देखिएगा अपने कलर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं देखिएगा यहाँ से सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लूंगा, 60 कर लूंगा। यहाँ से आप कलर देकर जो है इसको बना सकते हैं और घटा भी सकते हैं कलर वगैरह, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। जैसा आपको चाहिए, देखिए बिल्कुल वाइट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको ओके करेंगे, अभी इसको खींच के ले जाएंगे। ये देखिए हमने ये बनाया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बना सकते हैं, बनाने का बहुत बहुत अच्छा तरीका है ये। सिंपल आप यहाँ से आइएगा, यहाँ पर ये आप सॉलिड पे भी कर सकते हैं, सॉलिड पे ये आप यहाँ से कलर वगैरह जो थोड़े से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप बनाएंगे यहाँ पर सेव कर सकते हैं आपको, ठीक है, सेव हो जाएगा। काफ़ी अच्छा ये टूल्स है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। हालांकि इस टूल की जो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये तो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उतना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि पूरा ही जानता हूँ इसके बारे में, जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में मैंने आपको उतना बता दिया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, देख लीजिएगा आप, जी दबा के सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो भी ये आ रहे हैं कलर, इनको भी अगर इनसे आपका काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलता तो आप बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जितना मैं जानता था मैं आपको बता दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।